हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2018 में हुए कुछ अहम बदलाव के बारे में बताऊंगा। आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि स्टूडेंट्स के हित में किए गए हैं। स्टूडेंट्स की बहुत दिन से कुछ डिमांड थी जिनको एसएससी ने इस बार इंक्लूड किया है सीजीएल एग्ज़ाम 2018 के नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर आज हम चार ऐसे अहम बदलाव को देखेंगे जो कि आपके हित में लिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, सो आइए देखते हैं। सबसे मेजर जो चेंज हुआ है इस बार सीजीएल में वो ये है कि पहले हमसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगते थे। जब भी हम एप्लीकेशन करते थे सीजीएल का तो वहाँ पर फॉर्म भरते समय हमसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगता था, लेकिन इस बार जो है अप्लाई करते समय पोस्ट प्रेफरेंस का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसमें होता क्या है कि पोस्ट प्रेफरेंस अगर टीयर वन के पहले मांगेगा तो आप जो पोस्ट का प्रेफरेंस दोगे, यानी फर्स्ट नंबर पे हमें क्या चाहिए, सेकंड नंबर पे हमें क्या चाहिए, ये जो आप प्रेफरेंस दोगे, बाद में अगर आपको चेंज करना हुआ तो फिर से यही प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि ये जो स्टेप होगा आपका पोस्ट प्रेफरेंस का, ये लेटर स्टेज में होगा, यानी फाइनल मेरिट बनने के बाद में होगा। तो दिस इज द मेजर चेंज विच हैज़ बीन इनकलकेटेड इन एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2018। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जैसे पहले थी वैसे इस बार भी है। टीयर वन सीबीटी टेस्ट था, कंप्यूटर बेस्ड। टीयर टू सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और टीयर थ्री आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा। टीयर फोर आपका जैसे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता था वो इस बार भी रहेगा, और स्किल टेस्ट होता था, ठीक है, वो इस बार भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ सेम है, लेकिन 9.2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या है कि नॉर्मलाइजेशन को स्वीकार कर लिया गया है एसएससी सीजीएल के द्वारा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की डिमांड 2017 वाला जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट हुआ था लोधी रोड एसएससी हेडक्वार्टर के सामने। कई दिनों तक प्रोटेस्ट चला था स्टूडेंट्स की। एक डिमांड ये भी थी कि जो भी मतलब एग्ज़ाम हो रहा है, अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को समान तरीके से इवेल्यूएट किए जा सके। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का डिमांड जो पूरा किया गया है एसएससी के द्वारा, ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है फ्रेंड्स, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आपको अब इस बात से परेशान नहीं होना पड़ेगा कि किसी की शिफ्ट जो है इजी थी, किसी की शिफ्ट जो है टफ थी, चूंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मान लिया गया है। तो ये एक मेजर चेंज था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो सीपीटी होता था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता था पहले, वो कुछ पोस्ट के लिए होता था, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस, इस पोस्ट के लिए पहले होता था। ठीक है, अब इसमें से कुछ पोस्ट्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसएफआईओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, असिस्टेंट इन जीएसआई इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और तीन इंस्पेक्टर की पोस्ट्स है जिसमें इस बार सीपीटी लिया जाएगा। वो कौन कौन सी हैं, वो है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर एग्जामिनर। इन तीन इंस्पेक्टर पोस्ट्स के लिए भी आपको सीपीटी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्रेफरेंस में इंस्पेक्टर की ये तीनों पोस्ट है, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर, ये तीनों अगर आपके प्रेफरेंस में है तो आप इसको समझ लीजिए कि आपको सीपीटी भी देना पड़ेगा, उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। सीपीटी में फ्रेंड्स वर्ड प्रोसेसिंग आता है, ठीक है, जिसमें जो कि रिलेटेड है एमएस वर्ड से, स्प्रेडशीट जो कि एमएस एक्सेल होता है, और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स यानी पावर पॉइंट से रिलेटेड है। तो आपको इस पोर्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा अगर आपके प्रेफरेंस में ये पोस्ट्स आती हैं। एंड दिस इज द मेजर चेंज विच एसएससी हैज इनकलकेटेड इन सीजीएल 2018। एंड लास्ट वन आप देखो, चौथे नंबर पे एक चेंज किया गया है एज क्राइटेरिया को लेकर के। पहले जो है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट्स, इनकी जो मैक्सिमम एज थी वो 27 इयर्स की थी, लेकिन इस बार 30 इयर्स कर दी गई है। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ दिन पहले यानी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक गजट यानी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया था कि जो भी ग्रुप बी की पोस्ट है जो कि नॉन गजटेड है, ठीक है,
उनके रिक्रूटमेंट के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एग्जामिनेशंस में। जो भी ग्रुप बी के नॉन गजेटेड पोस्ट्स हैं उनकी एज जो है 30 ईयर्स को जो है फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में CGL 2018 के नोटिफिकेशन में इन सभी पोस्ट्स के लिए भी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स कर दी गई है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल एंड आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ